हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के जो चार एल्गोरिदम है उसमें से एक है आपका फर्स्ट फिट और एक बेस्ट फिट इसी दो एल्गोरिदम के ऊपर एक गेट का क्वेश्चन आया है इसी गेट के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है क्या है कि आपका मेमोरी ब्लॉक है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टी एम का मान लो सपोज एक कोई ब्लॉक आया है जो एक के बाद एक आया है ठीक है इसी ब्लॉक को हम लोग मेमोरी में कैसे डालेंगे और कौन सा आपका एल्गोरिदम सबसे अच्छा काम कर रहा है फर्स्ट फिट या फिर बेस्ट फिट वो हम लोगों को निकालना है जिसमें क्या दिया गया है एक मेमोरी है जिसमें मेरा फिफ्टी यूसेज है 300 थ्री हंड्रेड भी यूज़ किया गया है और सिक्स हंड्रेड भी मेरा यूज़ किया गया है मेरे पास दो होल है जिसमें वन फिफ्टी एम खाली है और जिसमें थ्री और एक होल है जियो थ्री फिफ्टी है वो भी खाली है अभी हम लोगों का जो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी जो प्रोसेस आया है उसी प्रोसेस को इस हॉल पे भरना है और देखना है कि फर्स्ट फिट या फिर बेस्ट फिट कौन सा काम करता है अच्छे से ठीक है तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम ड्रा किया है एक फर्स्ट फिट एल्गोरिदम के ऊपर काम करेगा दूसरा बेस्ट फिट एल्गोरिदम के ऊपर काम करेगा तो फर्स्ट फिट का एल्गोरिदम क्या कहता है जो प्रोसेस पहले आया है उसको पहले होल पे दाल, डाल दो मतलब लेकिन वहाँ पर यह देखना होगा कि फ, कौन सा कौन सा होल में वो प्रोसेस ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है ठीक है तो मेरा पे पहला कौन सा प्रोसेस है थ्री हंड्रेड का तो वन फिफ्टी के अंदर तो हम लोग थ्री हंड्रेड नहीं डाल सकते क्योंकि प्रोसेस ऑलवेज कंटिन्यूस एलोकेशन तो इसको हम ब्रेक करके नहीं दे सकते तो मेरे पास नेक्स्ट होल पे जाएगा नेक्स्ट होल पे स्पेस कितना है थ्री फिफ्टी तो मतलब हम यहाँ पर थ्री हंड्रेड का प्रोसेस दे सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर थ्री हंड्रेड का प्रोसेस डाल दिया तो मेरे पास बचा कितना है अभी मेमोरी फिफ्टी थ्री हंड्रेड हम लोग यूज़ कर चुके हैं फिफ्टी अभी बचा हुआ है ठीक है नेक्स्ट मेरा कौन सा प्रोसेस आया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव को हम पहले ही डाल देंगे पहले होल में देखेंगे कि यहाँ पर टू ट्वेंटी फाइव फिट होता है या नहीं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्वेंटी फ़ाइव फिट हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव को यहाँ पर हम दे चुके तो अभी बचा कितना है वन फिफ्टी में से वन ट्वेंटी फाइव मेरा अभी बचा हुआ है अभी कौन सा प्रोसेस आया वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फ़ाइव इसी प्रोसेस को अंदर इसी होल के अंदर ठीक से फ़िट हो जाएगा तो वन ट्वेंटी फ़ाइव को हम यहाँ पर दे देंगे अभी मेरे पास नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आया फिफ्टी तो फिफ्टी देख रहे हैं वन ट ये प्रोसेस वन फिफ्टी का जो खाली होल था वो कंप्लीट हो चुका है अभी मेरे पास थ्री हंड्रेड भी हो चुका है बचा कितना है फिफ्टी तो फिफ्टी यहाँ पर ठीक से फिट हो जा रहा है तो हम यहाँ पर दे रहे हैं मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फिट ठीक से काम कर रहा है यहाँ पर कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट फिट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेस्ट फिट को वेस्ट फिट में कैसा काम करता है हम लोग ये प्रोसेस को ऐसे दे देंगे जहाँ पर मेरा प्रोसेस ठीक से फिट हो जाएगा लेकिन जहाँ पर साइज जो होगा उसमें वेस्टेज कम होगा ठीक है तो हम लोग कैसे दे रहे हैं पहले दे रहे हैं थ्री हंड्रेड को थ्री हंड्रेड तो वन फिफ्टी के अंदर फिट नहीं होगा तो हम लोग थ्री हंड्रेड को यहाँ पर ही दे देंगे थ्री हंड्रेड यहाँ पर कम कर चुका है अभी बचा कितना है यहाँ पर फिफ्टी बचा हुआ है अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस आया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव को हम लोग यहाँ पर अगर देते हैं तो मेरे पास वन ट्वेंटी फाइव वेस्टेज होगा तो हम लोग ये बेस्ट फिट के अंदर अलाउ नहीं कर सकते हैं इसीलिए हम लोग ट्वेंटी फाइव को कहाँ देंगे यहाँ पर फिफ्टी के पास देंगे यहाँ पर ट्वेंटी फाइव को दे देंगे तो अभी बचा कितना है ट्वेंटी फाइव अभी बचा हुआ है ठीक है अभी मेरे पास आया कौन सा 125 प्रोसेस 125 वाला प्रोसेस हम यहाँ पर ही दे सकते हैं और कोई जगह तो नहीं है तो 125 को अगर हम यहाँ पर दे, दे देते हैं अभी बचा कितना है 25 फाइव एम बी प्रोसेस अभी भी स्पेस खाली है ठीक है तो अभी मेरे पास आया कितना 50 एम का एक प्रोसेस आया तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 25 फाइव यहाँ पर ट्वेंटी मतलब मेरा टोटल खाली स्पेस है कितना ट्वेंट बट प्रोसेस ऑलवेज भी आपका कंटिन्यूस एलोकेशन इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस को आ, ब्रेक करके यहाँ पर ट्वेंटी फाइव यहाँ पर ट्वेंटी फाइव नहीं दे सकते हैं मतलब ये जो लास्ट वाला फिफ्टी एम का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहीं पर भी नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर ये बेस्ट फिट काम नहीं कर रहा है बेस्ट फिट यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा आंसर होगा फर्स्ट फीड बट नॉट बेस्ट फीड ए मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा इसी तरह से हम लोग गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थैंक यू आज इतना ही